नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना को लेकर की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर श्रीमती एम गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, नगर प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव आई प्रसन्ना और मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुसौम्या चौरसिया उपस्थित थी। प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ली बैठक। छत्तीसगढ़ में कोविड 19 की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर स्थित स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित इस बैठक में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगदलपुर कोविड सेंटर की व्यवस्था का भी जायजा लिया। पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, एसपी ने जारी किया आदेश। धमतरी जिले में पुलिस विभाग में भारी फेरबदल किया गया है। कोरोना संकट के बीच 354 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। एसपी बीपी राजभानु ने बड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया है। राजधानी में 2 नए मरीजों की पुष्टि, 2 जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों के मिलने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज भी नए मरीज मिले हैं। आज रायपुर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ 2 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बता दें कि कल प्रदेश में 150 कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 4083 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 911 हो गई है। 9 लाख करीब पहुंची कुल मरीजों की संख्या। 24 घंटे में आए करीब 29,000 नए मामले। कोरोना वायरस ने देश का हाल बेहाल कर रखा है। आज अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। 24 घंटे में 29,000 के करीब कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 9 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,78,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। टला है खत्म नहीं हुआ अशोक गहलोत का संकट, कभी भी पलट सकती है राजस्थान की बाजी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का संकट टलता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड करा दी है। गहलोत खेमे ने 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बचाने का दावा किया है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने पास 2 दर्जन से ज्यादा विधायक होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि फिलहाल गहलोत सरकार का संकट टल जरूर गया है, लेकिन शायद खत्म नहीं हुआ है। दुनिया की पहली कोविड 19 वैक्सीन तैयार, रूस का दावा, सफल रहे सभी ट्रायल। दुनिया भर को अपनी चपेट में लेने वाले जानलेवा कोरोना वायरस पिछले 6 महीनों से तबाही का सबब बना हुआ है। तमाम उपायों के बावजूद इस संक्रमण के ताजा आंकड़े सिरहन पैदा करने वाले हैं। इस महामारी के कारण अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुनिया भर में लोग इस संक्रमण के वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रूस से एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस के सेचेनिव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोविड 19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके सभी ट्रायल सफल रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर राहुल गांधी का सवाल, क्या भारत अच्छी स्थिति में है? कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआती से ही इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की तुलना दुनिया के कई देशों में कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी से करने वाला एक ग्राफ पोस्ट किया था। इस ग्राफ की तस्वीर के साथ राहुल ने अपने ट्वीट में सवाल पूछा है, कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है? अमिताभ बच्चन की तबियत सामान्य, इलाज को लेकर अच्छे रिस्पांस कर रहे हैं बिग बी। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत पहले से बेहतर और सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल के सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन की उम्र और उनके कमजोर फेफड़ों की स्थिति और उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें नियंत्रित तरीके से दवाई दी जा रही है और डॉक्टर इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि उनके फेफड़ों पर इलाज का किसी भी प्रकार का असर ना हो। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।